सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो सिटी स्काईलाइंस। अगर लास्ट एपिसोड में मैंने अपनी सिटी को दिया था एक सबवे स्टेशन, जो कि मैं एक बार दिखाया था, तो इसमें 6 स्टॉप यहाँ पे मैंने बनाए हैं और इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। और आज मैं सोच रहा हूँ कि यार जो इधर वाला एरिया ना, इसको भी थोड़ा यूज करा जाए। तो इधर तो यार ज्यादा एरिया मेरे पास है नहीं, अब इसमें थोड़ी बहुत यहाँ पे जोनिंग हो सकती है, लेकिन अब मुझे ना इस आईलैंड को पूरे को कवर करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार इस वाले एरिया को कवर करते हैं और यहाँ पे फॉरेस्ट इंडस्ट्री बन सकती है एक तो, और साथ में मुझे यार एक पोर्ट भी बनाना है, जो कि अपना है ये वाला कार्गो हार्बर बनाना है मुझे एक, और इसको मुझे ना कार्गो रेल से भी ज्वाइन करना है। तो इसको मैं यहाँ कहीं सेंटर में बनाने की सोच रहा हूँ, ताकि अपने जो कार्गो की लाइन आ रही है इसमें साथ में इसके कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेटेड कार्गो लाइन होती है। और इधर वाला एरिया भी बढ़िया लग रहा है मुझे काफी। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे काम स्टार्ट करा जाए, और इस हाईवे को मैं आगे तक लेके जाने वाला हूँ इस तक। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे ना एक्सटेंड कर देता हूँ, पहली फ्री लेन पैरेलल, ठीक है, हाईवे कुछ इस तरीके से आगे जाएगा। और यहाँ पर मुझे यार ब्रिज बनाना पड़ेगा काफी बड़ा, क्योंकि यार यहाँ पे ना शिपिंग की लाइन है एक, तो ब्रिज देख लेता हूँ मैं कैसे बनेगा, थोड़ा इसको हटाना पड़ेगा। 30 मीटर में बना चुका हूँ, वो भी कम पड़ रहा है, 40 मीटर चाहिए इसको। इसमें दिक्कत क्या आ रही है इसको, ओवरलैपिंग। फिर ये मिनिमम हाइट है जिससे कम पे ब्रिज नहीं बन सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नीचे शिप को भी निकलना है। तो मैंने इसको बना तो दिया है, इसको कनेक्ट में भी यहाँ पे कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है यार। अब यहाँ पे काम स्टार्ट करा जाए, ये ब्रिज तो मैंने बना दिया है। यहाँ पे पता नहीं यार दो पिलर मिसिंग है, और इनको मैं बाद में लगाता हूँ, देखना पड़ेगा कैसे लगते हैं। तो इधर मेरे पास एरिया तो यार काफी है, पोर्ट में बनाने को तो इधर भी बना सकता हूँ। एक बार पोर्ट की लाइन देख लेता हूँ किधर से जा रही है। तो ये अपनी पोर्ट की लाइन कहाँ है भाई, आउटसाइड कनेक्शन। एक बार सिटी में देख लेता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना। तो अभी हेल्थ केयर अपना बढ़िया चल रहा है, पानी का भी सही चल रहा है काम, इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक है। और एजुकेशन में ये क्या हो रहा है भाई, 5800 लोग। एलिमेंट्री स्कूल मैंने सिर्फ एक ही लगाया अब तक भाई, मैंने तो ध्यान नहीं दिया। और यूनिवर्सिटी में भी लोग भाई जाने को तैयार बैठे हैं, 1300 लोग बैठे हैं। तो मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एक तो एलिमेंट्री स्कूल की थोड़ी तादाद बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे यहाँ पर अपना सबवे स्टेशन है ना, वहाँ पे एक और एलिमेंट्री स्कूल लगा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, वैसे ना यहाँ पे लग सकता है एक एलिमेंट्री स्कूल ना ऑफिस के पास में। एक यहाँ पे मैं एक अंदर रोड बना लेता हूँ पहले बिल्कुल, ताकि ये 90 डिग्री पे रहे। तो यहाँ पर अपना एक एलिमेंट्री स्कूल लग जाएगा, बल्कि मुझे तो लग नहीं रहा कि एक से काम हो पाएगा, मुझे और लगाने पड़ेंगे। ये तो पहले इसको अपग्रेड करके देख लेता हूँ, 3000 की कैपेसिटी तो हो ही जाएगी ना इससे। तो इसके अंदर एक तो था चिल्ड्रंस क्लिनिक, और क्या था इसके अंदर, एक्सटेंशन विंग भी मैंने लगा दिया। इसकी कैपेसिटी हो गई है पूरी 1500 की, और भाई देखो कितनी जल्दी भर गया, 600 लोग आ भी गए। और इसके लिए ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट में करता हूँ ये वाला और ये वाला, और जो ये वाला है ना अपना, इसके लिए मैं रखता हूँ सिर्फ ये वाला, इधर तो कोई रहता ही नहीं ज्यादा, ये दोनों कर देता हूँ, ठीक है, इनको हटाओ। और ये भी फुल हो चुका है, अभी भी काफी ज्यादा डिमांड है भाई, इसमें मैं पार्क लगा देता हूँ पहले। वैसे पार्क से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता यार मुझे, चलो कोई बात नहीं, दो पार्क सोच रहा हूँ फिर मैं लगा देता हूँ, ठीक है। एक एलिमेंट्री स्कूल इधर हो गया, और अपना अगला एलिमेंट्री स्कूल हो जाएगा इधर इस वाले एरिया में, क्योंकि इधर एक भी स्कूल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेन का कनेक्शन है, तो इनको आने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये रहा साइड में स्टेशन है ट्रेन का। और यहाँ पर आएगा अपना एक और एलिमेंट्री स्कूल, अभी कितने हैं 5800 बच्चे है ना, तो मुझे लग रहा है भाई ये भी मतलब जल्दी भर जाएगा। तो ये लगा अपना एलिमेंट्री स्कूल, इसको भी फुली अपग्रेड, एक्सटेंशन विंग, और दो पार्क लगाया था इसमें, ठीक है। काफी सारे स्कूल हो गए हैं, इसको मैं ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा दूं, इधर तो अभी कोई रह नहीं रहा, एक तो ये वाला देता हूँ इसको और एक ये वाला, ठीक है। अब देखना पड़ेगा भाई कितना हुआ, 4500 मेरे पास कैपेसिटी है, और 5800 लोग है अभी भी, अभी भी कम पड़ रहा है भाई, अभी भी कम पड़ रहा है। तो एक दूसरा यहाँ है, एक इधर भी लगानी पड़ेगा यार इस हिसाब से, तो वरना काम ही चल पाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, और इस पे लग जाएगा एक एलिमेंट्री स्कूल। और इधर सबवे था ना मेरे पास, सबवे यार दूर है यहाँ से, सबवे तो दूर है, वैसे ज्यादा दूर नहीं, यहाँ पे वॉकिंग पाथ है, तो ये लोग यहाँ पे आ सकते हैं आराम से। बल्कि अभी यहाँ पे ट्रैम भी बनेगी ना, तो हो जाएगा काम। एक काम करता हूँ, एक और अपना जो एलिमेंट्री है वो इधर आ जाएगा, और इसमें भी मुझे अपग्रेड देना, एक तो एक्सटेंशन विंग का, साथ में एक ये भी आएगा, और एक इसमें पार्क भी लगेगा। इसमें एक ही पार्क लगा रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं लगा रहा। और इसके लिए जो ऑपरेटिंग डिस्ट्रिक्ट होंगे वो होंगे ये दोनों, और इसमें 950 है ना बच्चे अभी के लिए, 3 महीने कर रखे हैं। और ये वाला देखते हैं, ये वाला ही फुल है क्या, चलो भाई अब मेरा मुझे लगता है कि सारे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। हाँ तो अभी भाई बिल्कुल मार्जिन पे हूँ मैं, मुझे एक और लगाना पड़ेगा, पर मैं इधर ज्यादा नहीं लगा रहा, जो अपनी नई सिटी बनेगी उसमें लगेगा। तो सिटी की पॉपुलेशन 39,000 हो चुकी है। तो पहले तो यार मैं यहाँ पे ना ये वाली इंडस्ट्री बना लेता हूँ फॉरेस्ट वाली, और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि इधर ना एयरपोर्ट भी बन सकता है। 4 लेन रोड है अपनी ये, इधर से सीधी आ जाएगी एकदम। और फॉरेस्ट इंडस्ट्री यार मैंने अब तक देखा नहीं इसमें कैसे बनती है। अच्छा तो यहाँ पे जहाँ पे ये पेड़ है मतलब ये, लेकिन ये तो खत्म हो जाएंगे ना पेड़, ऐसे लोग काटेंगे, अब पता नहीं है तो इसमें क्या होगा, पर मैं बना देता हूँ फिर भी। और ये बिल्कुल हाईवे के पास में है, तो मुझे आधी तो इधर बनानी पड़ेगी और आधी हाईवे के उस तरफ बनानी पड़ेगी। और ओ भाई यहाँ पे कितना सारा फॉरेस्ट का एरिया है, पर इधर तक मैंने टाइल्स अनलॉक नहीं करी है। तो इधर ही बनाते हैं भाई, सबसे पहले तो अपना एक राउंड अबाउट बना लेता हूँ मैं इधर कहीं पे। इस राउंड अबाउट से अपनी 2 लेन की रोड जाएगी सामने, और एक 2 लेन की रोड जाएगी अपनी इस तरफ। और इन रोड्स को ना मैं सामने इधर मतलब इधर भी लेके जाऊंगा, मैं
दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आएगी 200 मीटर, और यहाँ से इसको मुझे तो एलिवेट करना पड़ेगा। मैंने बहुत ही कम हाइट रखी है इसकी, मतलब ज्यादा हाइट नहीं रखी मैंने। ठीक है भाई, ये हो गई इधर कनेक्ट। और ये 4 लेन है, नहीं 2 लेन है। नहीं 2 लेन नहीं है भाई, 3 लेन रोड बना दी मैंने गलती से यार। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे बनानी थी 2 लेन रोड। यार अब बढ़िया लग रहा है, नीचे से अपना मस्त हाईवे जा रहा है। और अब स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पे काम सबसे पहले। और ये सारे पेड़ों का कलर चेंज हो रखा है, क्योंकि यार अभी फॉल का सीजन चल रहा है, मतलब विंटर आने वाला है। तो सबसे पहले मुझे लगाना है ये वुड के लिए। तो वुड के लिए जो पहली इंडस्ट्री है वो तो अपनी यार इस पे आ जाएगी। ठीक है, इधर से लेके पूरा मैं सोच रहा हूँ हाईवे के साइड तक रखता हूँ इसको, तो इधर तक आ जाएगी। उसके बाद इधर यार ये इसमें कुछ इस तरीके से बनता है, पर इसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये छोटे छोटे घर से बन गए। एक तो जमीन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, अभी ज्यादा कुछ इसमें एनिमेशन आया नहीं जिससे पता लगे कि ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री है। ऊपर से तो ज्यादा पता भी नहीं चल रहा। तो इसकी एफिशिएंसी देखनी है मुझे कितनी है अभी, 114% की। और सिर्फ एक एम्प्लॉय लगा हुआ है अभी इसमें, वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई कहाँ है। चलो यार ये तो ऐसे ही काम चलेगा इसका धीरे धीरे। और इसके बबाद सेकेंड अपना आएगा इधर, तो मैं जल्दी से यहाँ पे 3-4 लगा देता हूँ। तो मैंने इसको ना चेंज कर दिया है ब्रिज को, और इसको ना ये मतलब नॉर्मल डर्ट रोड बना दिया है, क्योंकि फॉरेस्ट वेयर ऐसे हाईवे अच्छा नहीं लगता है, डर्ट रोड ज्यादा बढ़िया लग रही है। और कुछ इसका ऐसा लुक आ रहा है निकल के। और सेम ऐसे ही मैं 2-4 और बना देता हूँ। ये बार देखना पड़ेगा कि मुझे जरूरत कितनी है, अगर ज्यादा जरूरत नहीं तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो मैं अभी से ही सरप्लस में आ चुका हूँ, 53 टन में अभी ज्यादा बना रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट से। और भाई लास्ट एपिसोड में मैंने एक चीज और करी थी कि मैंने ग्रेन फार्मिंग बहुत सारी बनाई थी, और अब सिर्फ मतलब अभी भी 62 टन मैं डेफिसिट में हूँ जो कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। और 330 टन अब मैं बना रहा हूँ, मतलब 330 टन बनाने के बाद भी मुझे कमी पड़ रही है। और ये जो अपना क्या बोलते हैं इसको लाइव स्टॉक है, ये भी यार भी बहुत कम पड़ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर मैं सारे में यहाँ पे लाइव स्टॉक वगैरह ऐसे बनाता रहूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि इधर इतना ही रहने देता हूँ, और जो इधर वाले जगह है ना यहाँ पर भी मेरे पास जगह है फार्मिंग की एरी बहुत सारी, तो इधर अब मैं बनाऊंगा बाकी की। क्योंकि यार वरना ना इस पूरे आइलैंड पे भाई यही सब हो जाएगा फार्मिंग वगैरह, और रेजिडेंशियल की कमी, मतलब रेजिडेंशियल को ज्यादा जगह नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अबे जाम क्यों लग गया यहाँ पे यार, थोड़ी थोड़ी देर में नया नया ट्रैफिक जाम इसमें लग जाता है। यहाँ पे क्यों जाम लगा हुआ है पता नहीं यार, एक ट्रक रुका हुआ है उसकी वजह से जाम लगा हुआ है सारे में। यहाँ पे एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही भाई यार, इसमें इनको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आता ना कुछ, तो मैं इन गाड़ियों को हटा भी नहीं सकता अब यहाँ से, मतलब जो जाम कर रही है भाई वो करेगी। तो मैं एक तरीका निकाल रहा हूँ यार इस जाम से बचने का, कि अगर मैं इस रोड को यहाँ से हटा दूँ और इसको मैं वापस से यहाँ तक बना देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे राउंड अबाउट में कनेक्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये 3-वे राउंड अबाउट बन जाएंगे। और ऐसे ही मैं इधर करूंगा कि मैं इसको यहाँ से हटा के और इसको मैं यहाँ तक ले के तो आऊंगा, इसको ना मैं कनेक्ट नहीं करूंगा यार। अब ये जाम तो खुल जाना चाहिए यार, अब तो मैंने इनके लिए 3-वे बना, मतलब 3-वे कर दिया इसको। चलो यार जाम तो फाइनली सॉल्व हुआ, और मुझे लग रहा है पार्किंग की वजह से ही हो रहा है जाम, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि और तो कोई यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है जिससे कितने ज्यादा ट्रैफिक निकल रहा हो। और इस रोड पे इतना ये सब क्यों है भाई, तो रोड को साफ करूँ पहले तो मैं। चलते हैं ना स्टॉप साइन लगाता हूँ इधर। ठीक है, जाम तो अपना सॉल्व हो गया ये वाला, अब वापस से काम स्टार्ट करा जाए। इधर क्या दिक्कत हो रही है इनको यार, पानी, एक मिनट, नॉट इनफ वाटर। यार वाटर की अवेलेबिलिटी तो सही है यहाँ पे, फिर अच्छा है ब्रिज है शायद, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि पानी फ्लो नहीं हो रहा है। और इधर भी हाँ यार ये हाईवे है ना, तो मुझे इसको मैन्युअली ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीवर मैंने इधर तो कनेक्ट कर दिया है, सेम ऐसे मुझे इधर भी करना पड़ेगा। हो गया कनेक्ट हो गया, इनको पानी वगैरह सब मिलने लग गया है। और एक चीज और है कि यार मेरे पास ना यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी है, मैं दिखाता हूँ, ग्राउंड वाटर पंपिंग स्टेशन बिल्कुल यहीं पे ही है इसके पास में। तो इसको ही मैं लगा देता हूँ यार यहाँ पे, रोड बनानी पड़ेगी एक पहले। वैसे ये लोग ना पॉल्यूशन भी कर रहे हैं यहाँ पे काफी, तो यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है इसके लिए एक स्मॉल रोड बना देता हूँ यहाँ पे। यार यहाँ पर है तो जगह, थोड़ी सी जगह मुझे मिल गई, तो बिल्कुल इसके नीचे है, तो मैं अब यहाँ पर एक लगाने वाला हूँ ग्राउंड वाटर पंपिंग स्टेशन। और मैंने यार गलती से गलत रोड यहाँ पे बना दी, ये वाली रोड यहाँ पे बननी थी। तो ये अपना हो गया अपनी सिटी का पहला ग्राउंड वाटर पंपिंग स्टेशन, देखते हैं भाई कितना पानी इससे निकलता है। तो ये पंप करता है भाई 83,000 पर मंथ, और इसमें एडवांस फिल्टरिंग सिस्टम लग सकता है एक तो, और क्या है ये एडिशनल पंप भी लग सकता है, पर अभी नहीं लगा रहा भाई, पता चला कि ये ग्राउंड वाटर खत्म ही हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये है भी बहुत ही कम है, ज्यादा भी नहीं है पानी यहाँ पे। और ठीक है, इस सिटी का तो काम अपना हो जाएगा, इसका वो बढ़ेगा, मतलब थोड़ी कैपेसिटी बढ़ेगी इसकी। तो अब कितनी होगी कैपेसिटी, अभी भी उतनी आ रही है, 347 पे चल रहा है ना अभी। ठीक है, अब ठीक हो गया थोड़ा। और इनको क्या दिक्कत हो रही है, और भाई ये ग्राफिक्स जैसे डल्स हो जाते हैं ना विंटर में होते हैं, और पता नहीं भाई मेरे गेम में क्या बग आ रखा है कि विंटर भाई बर्फ ही नहीं पड़ती यहाँ पे। मैंने बाकी सबके, मतलब मैं जिनके गेम प्ले वीडियोस देखता हूँ उसमें भाई विंटर में यहाँ पे मतलब बर्फ वगैरह पड़ रहे थे, काफी बढ़िया लगता है भाई। मेरे में पता नहीं है, इसका कलर तो चेंज हो जाता है गेम का, पर बर्फ नहीं पड़ती यहाँ पे, पता नहीं भाई ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं है ठीक करने का। ठीक है, यहाँ पे काम अपना
चल रहा है। तेरे काम करता हूँ मैं, अपना पोर्ट बनाना भी स्टार्ट कर देता हूँ। पोर्ट यार अपना ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया तो इस तरफ है और फार्मिंग का भी इधर है, इधर तो थोड़ा कम ही है। मुझे लगता है कि पोर्ट ना इधर ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इधर मेरा कार्गो ट्रेन टर्मिनल भी है मेरे पास, तो यहाँ पर अपना पोर्ट बनाना है मुझे। इसके लिए पहले रोड्स बनानी पड़ेंगी और थोड़ा सा ना मैं पानी के ऊपर बनाने की सोच रहा हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी ना टेराफॉर्मिंग कर लेता हूँ। उससे पहले मुझे एक मिनट, टाइल कौन सी खरीदनी पड़ेगी? एक तो ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, मेरे पास काफी सारे एरिया हो गए यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट। तो इसमें यार थोड़ा सा ना अलग तरीके से करना पड़ता है काम। चलते हैं यहाँ पे, यार बहुत सारी टेराफॉर्मिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं यहाँ पे काम कर पाऊंगा। अब मुझे बनानी यहाँ पे रोड्स, तो सबसे पहले अपनी आ जाएगी टू लेन वाली रोड। इतना एरिया में मेरे ख्याल से तो भाई बहुत होना चाहिए इन लोगों के लिए। अरे वे सारी मिट्टी मुझे यहाँ से हटानी है, पर मुझे लग रहा है कि यार कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है यहाँ पे, क्योंकि यार की नहीं बन रही, मतलब की वॉल नहीं बन रही यहाँ पे, जो कि यार बननी तो चाहिए थी। पानी में क्या हो गया भाई, ये खतरनाक ही। पर इसमें वो सुरामी वगैरह नहीं आती थी, नहीं जितनी सिटी स्काइलाइन वन में आती थी ना। सिटी स्काइलाइन वन लेवल की इन्होंने वाटर फिजिक्स नहीं डाली अब तक इसमें। तो यार मैंने कुछ इतना यहाँ पे बनाया है, काफी टाइम लग गया है। जो नया पर इस गेम में ना की वॉल बनाना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं यार इसमें इतना टाइम लग जाता है। तो मैंने सिर्फ इतना ही बनाया अभी, और ये बनाने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये इसका साइज देखो एक बार क्या है। तो ये तो यार यहाँ पे पता ही नहीं लग पाएगा, लग पाएगा और देखना पड़ेगा। तो मुझे ना एक बार ये यहाँ से वॉल हटानी पड़ेगी। यार ये रोड रिक्वायर्ड पर यहाँ पर जाकर लगाए, और इधर की सारी जगह इसने ले ली है। मैं काम करता हूँ इस रोड को हटाता हूँ पहले। तो मैं सोच रहा था कि इसको यहाँ पे लगा दूं, पर यहाँ पर नहीं लग पाया, तो कोई बात नहीं यार यहाँ पे लगा लेते हैं इसको। और जगह तो मेरे पास अभी भी काफी बच गई है। अब इसके अंदर मुझे एक अपग्रेड करना है, जो कि अपना ट्रेन स्टेशन वाला शायद कार्गो क्रेन्स। अभी इसमें लगी नहीं हुई कार्गो क्रेन्स। एडिशनल क्रेन्स हेल्प इनक्रीज स्पीड, इसे अभी छोड़ो। तो यार ये लग गया इसमें ट्रेन टर्मिनल, कार्गो ट्रेन टर्मिनल, और एक्स्ट्रा क्रेन भी मैं इसमें बाद में इंस्टॉल कर दूंगा। और ये क्या साथ में वेयर हाउस, तो इधर आ जाएगा अपना वेयर हाउस। ठीक है, ये एरिया एकदम मस्त हो चुका है। और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ना थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसको, और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पे लग सकती है, जो कि अपना ये वाला क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल पैसेंजर वाला। और इसके लिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी इधर कहीं पे, तो अभी रहने देता हूँ। पहले एक काम करता हूँ यहाँ पर ना थोड़ा, ओ भाई इतने सारे ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं। पहले स्टार्ट तो ये हो गया है, पर नो वाटरवे कनेक्शन बता रहा है, तो मुझे पहले इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो अपनी लाइन किधर से जा रही है, पर इधर से लाइन जा रही है, पर अच्छा इसको यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। पर यार तो सिटी से बाहर है, अब मुझे इसके लिए टाइल्स खरीदनी पड़ेंगी। इतना गड़बड़ कर दी मैंने, यार बिना टाइल्स खरीदे नहीं हो सकता क्या ये? इसको ना मुझे इस वाटरवे कनेक्शन से कनेक्ट करना है। तो अभी मुझे थोड़ा एक्सपी चाहिए ना। काम करता हूँ, मैंने इसमें एक तरीका निकाला एक्सपी कमाने का, कि अगर मैं कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाता रहता हूँ ना, तो उससे मुझे एक्सपी मिलता है। तो जैसे कि अगर मैं एयरपोर्ट यहाँ पे बनाता हूँ, या फिर काम करता हूँ जैसे मैं सबवे यार्ड एक लगाता हूँ, तो इससे 500 एक्सपी मिलते हैं मुझे। ठीक है, और इससे कितने एक्सपी मिलते हैं मुझे, 1000 एक्सपी मिलते हैं डायरेक्ट। तो एक मैं एयरपोर्ट यहाँ पे लगा के और हटा दूंगा इसको, तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा मुझे। मुझे देखो 500 एक्सपी भी मिल गए। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं दोबारा ऐसी 3-4 बार करता हूँ, ताकि यार मेरा ओपन हो जाए ये। ये इन्होंने भाई अब तक मुझे लगता है कि इस पे ध्यान नहीं दिया होगा इस बग पे, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ अपना एक्सपी बढ़ाने के लिए। 1000 एक्सपी बढ़ता जा रहा है मेरा। तो सिर्फ एक लास्ट बारी मैं लगाता हूँ। ये देखो अपना ह्यूज सिटी खुल चुका है, और 24 टाइल्स शायद मुझे मिलेंगी। तो अब मुझे कुछ टाइल्स ना इधर यूज करनी पड़ेंगी। इधर है ना अपना वाटरवे कनेक्शन, ये 3 टाइल खरीद के देखता हूँ काम चलता है क्या। मुझे यहाँ पे वाटरवे बनाना है मीडियम वाला। अच्छा यार मैंने गलत टाइल खरीद ली यार, चलो कोई नहीं, मैं इसे डायरेक्ट ले आता हूँ ऐसे। तो एक टाइल और खरीदनी पड़ेगी अभी, अब जहाँ तक है काम हो जाना चाहिए। यार एक और टाइल खरीदनी पड़ेगी यार, बहुत टाइल वेस्ट हो रही है यहाँ पे ना। अब हो जाए यार कनेक्ट, हो गई। तो अपना यहाँ पे कनेक्शन तो बन गया है, और जो शिप है ना इधर से अपना वापस घूमेगा। वैसे एक ही रूट पे काम हो जाएगा, मुझे दो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये है अपना कार्गो शिप ना, तो एक लाइन तो इधर से बनेगी अपनी, और इधर तक आएगी, और यहीं से आ जाएगी वापस। ठीक है, और दूसरी लाइन में सोच रहा हूँ दूसरे एंड में बनाता हूँ मैप के, इस वाले एंड पे। ठीक है, ये अपनी दो लाइन हो गई है कार्गो की। और भाई उम्मीद तो ये है कि यहाँ पे भीड़ ना लगे, नहीं तो मुझे कुछ और टाइल्स खरीदनी पड़ेंगी फिर इधर। और इसमें यार वेयर हाउसेज मैं खुद से नहीं लगा सकता, तो एक ही काफी है अभी तो। और ट्रेन की लाइन यार इस तरफ है। तो भाई अपने शिप आने स्टार्ट हो गए हैं, दो दो शिप आ गए यार एक साथ, और लग रहा है यहाँ पे भीड़ तो लगेगी यार। ये इसके पीछे भाई यार लाइन मत लगाओ, यहाँ पे दूसरे पे आ जा तू यार, इतनी कम जगह है यहाँ पे। लगता है एक और लाइन मुझे बनानी ही पड़ेगी इधर, वाइड नैरो। एक काम करता हूँ इसको ना कुछ इस तरीके से लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, ये आएगा यहाँ तक, मुझे लाइन भी देखनी पड़ेगी दोबारा से। तो 400 टन कार्गो तो जा रहा है, 4 शिप यूज हो रहे हैं अभी। और यार अपने लेफ्ट साइड से ना लगता है भाई ये वाली टाइल भी खरीदनी पड़ेगी। एक बार ना दोबारा से लाइन बनाता हूँ यार, एक ही लाइन बन पा रही है अभी, दूसरी लाइन पता नहीं है रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। पाथ फाइंडिंग फेल्ड आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं भाई क्यों हो रहा है, क्या इसमें दिक्कत हो रही है। चलो तो छोड़ते हैं, इसमें
अब मुझे जरूरत है भाई यहाँ पे रेलवे की, तो इसमें मैं रेलवे कनेक्शन भी बनाता हूँ जल्दी से। ये है ना रेलवे, और यहाँ पर वन लेन ही आ रहा है रेलवे का ना, तो इधर अपना रेलवे है, सोच रहा हूँ इसमें से ही ले आता हूँ। ये तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन बनेगा, ठीक है, दोनों तरफ से एक एक कनेक्शन आए, और ये अब जाएंगे इधर सामने, ठीक है। अरे मस्त एकदम कनेक्ट हो गया, यहाँ तक अपना टू लेन आ रहा है और इसमें कनेक्ट भी हो गया है। अब देखना है कि इसमें रूट एक बनाता हूँ मैं जल्दी से, कार्गो ट्रेन का रूट बन जाएगा इस तरफ से। तो अपना इधर तो ज्यादा भीड़ है क्योंकि ये बाहर से कनेक्टेड है ना, तो सिटी में कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से बनाता हूँ रूट, बल्कि इसको ना अपग्रेड और कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि ठीक है, तो नया रूट बनेगा अपना, यहाँ से स्टार्ट होगा और इस पे आ जाएगा, और इससे फिर ये वापस कनेक्ट हो गया है, ठीक है, ये मस्त चल रहा है। और अब जितने भी ट्रक्स हैं ना उनको वहाँ जाना पड़ेगा, ये लोग यहाँ आ रहे हैं, और डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन जाएगी अपनी। देखते हैं भाई ये ट्रेन कहाँ जाती है पहले तो। अरे इधर क्यों नहीं आई है ट्रेन, ट्रेन की कमी तो नहीं होगी दोबारा से, हो सकता है वैसे। ट्रेन डिपो तो अपना सही चल रहा है, 15 व्हीकल इन यूज, जिनमें से कार्गो ट्रेन काफी ज्यादा यूज हो रही है। तो इस वाली लाइन पे तो मैं एक ही ट्रेन रखता हूँ यार, आई तो है ट्रेन, आई है, देखना पड़ेगा ये कितना कार्गो इसमें जाता है। भाई तो खाली जा रही है अभी, तो इस वाले रूट पे, ये कार्गो रूट 4 है, इस पे मैंने एक व्हीकल असाइन कर दिया, ठीक है, एक ही सही है, एक से ज्यादा की जरूरत तो नहीं है क्योंकि सिर्फ यहाँ तक ही तो आना है इसको। तो अपना शिपिंग पोर्ट कनेक्टेड है और वर्किंग भी है, और इसके अंदर शिप्स आ भी रहे हैं। शिप देखते हैं भाई कैसा है, भाई पूरा बड़ा वाला कंटेनर शिप है, और मुझे लग रहा है अभी शायद मैं इम्पोर्ट भी शिप से कर रहा हूँ, तो मुझे और सस्ता पड़ेगा इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट तो मैं करूंगा ही। और भाई शिप वालों को देखो कितना मस्त यहाँ से दिख रहा है, पूरा शहर का व्यू आ रहा है ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग है वाली, तो उधर पीछे रेजिडेंशियल भी है, भाई लुक तो यहाँ से बहुत बढ़िया आ रहा है। और इधर देखो कितना, इधर सारा अपना इंडस्ट्रियल एरिया है, और ज्यादा शार्प टर्न नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इतने में तो शिप मुड़ जाता है आराम से। और ये आ जाएगा यहाँ पर, रुक गया, अब ये क्रेन, अबे मुझे लगा था क्रेन ऑपरेट भी होगी। ये शिप खाली है क्या? अच्छा है, खाली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया में बनाता हूँ, तो ये भाई इधर को हवा की डायरेक्शन है, पहले तो बीच में एक रोड आएगी स्मॉल रोड, और ये पूरा होने वाला है भाई इंडस्ट्रियल एरिया, और हवा भी साइड की है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और भाई जो अपनी ट्रेन लाइन 1 है उससे अब 600 लोग उससे भी मतलब उससे भी ट्रेवल कर रहे हैं, साथ में सबवे में तो भाई 1000 से ऊपर लोग हो चुके हैं, और अभी इसकी कैपेसिटी वैसे ज्यादा की है, अभी 35% ही यूज हो रहा है, और 3 ट्रेन मैंने लगा रखी है, साथ में अपना एयर का तो अभी नहीं हुआ है। अब बारी यार इधर कुछ डेवलपमेंट करने की, तो पहले तो मुझे पॉल्यूशन की वो देखना पड़ेगा, पॉल्यूशन किस तरफ है, इस तरफ है ना, तो मतलब ये सारे एरिया मेरे पास खाली है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सिटी और बना सकता हूँ, तो ये जो पोर्ट वाली रोड है इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको 4 लेन ना कर दिया जाए, तो इसको ना मैं 4 लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर भीड़ होगी तो ये हो नहीं पाएगी, अभी तो फिर भी जगह है मेरे पास, ठीक है, होगी 4 लेन। और यहाँ पे एक ही तरीका है मेरे पास कि मुझे एक इंटरसेक्शन और बनाना पड़ेगा जो कि इन दोनों सिटी में काम आएगा, तो एक काम करता हूँ मैं, छोटा सा इंटरसेक्शन कोई है मेरे पास नहीं है, तो ज्यादा बड़ा है नहीं, ये भी नहीं, मुझे 4 लेन वाला चाहिए। इंटरसेक्शन की जगह मैंने सोचा है कि कुछ और ट्राई करता हूँ, यहाँ पे ना राउंड अबाउट ही बनाता हूँ बड़ा वाला, ठीक है, अभी बाद में जरूरत पड़े तो इंटरसेक्शन बनाऊंगा, वैसे यहाँ पे इतनी कोई भीड़ वाली चीज आएगी नहीं, तो सही अपना काम चल जाएगा, ठीक है, ये हो गया इधर का। और यहाँ पर अभी एक वो बन रहा है ट्रेन और इसका इंटरसेक्शन, तो एक काम करता हूँ ना मैं इसको नीचे से कर देता हूँ, तो ठीक है यहाँ पर अब ये बन जाएगा बड़े बड़े ही आराम से। तो भाई ये बन चुका है अपना ट्रेन, नीचे से मैंने कर दी है और ऊपर से ब्रिज बना दिया है, वो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मैंने आर्क वाला ब्रिज मतलब आर्च ब्रिज यहाँ पे यूज करा है ताकि थोड़ा और भी अच्छा लगे, बस इससे एक दिक्कत ये हो रही है कि ये ना 2 लेन का हो गया यहाँ पे, पर कोई बात नहीं अभी ट्रैफिक है नहीं इतना, नहीं तो मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा अगर मुझे ज्यादा दिक्कत आई ना ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक की दिक्कत आई तो इसको चेंज करना पड़ेगा फिर बाद में। अब इधर मुझे एक सिटी बनानी है, तो सबसे पहले तो एक मिनट, मुझे डिमांड किसकी आ रही है यार, हाउसिंग की डिमांड तो आई नहीं थी, इसको थोड़ा सा ना बढ़ाना पड़ेगा, ऑफिस वाले एरिया की डिमांड आ रही है ना बहुत ज्यादा, तो इसको ऑफिस एरिया को मुझे यहाँ तक कर देना चाहिए ना, ठीक है, बैक साइड में भी ऑफिस हो जाएंगे पूरे, और सेम ऐसे इस तरफ, तो अब थोड़ी डिमांड बढ़नी स्टार्ट हुई, वही मीडियम डेंसिटी की बढ़ेगी, और बाकी इंडस्ट्री की आ रही है अभी भी, इंडस्ट्री तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ कितनी भी, तो इसको मैं पूरे को इंडस्ट्री के लिए कर देता हूँ। एक बार एजुकेशन वगैरह भी देख लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक है, एलिजिबल अब 7,000 हो गए भाई, तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इधर भाई ट्रैफिक हो रहा है यार, ट्रैफिक बहुत हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं ट्रेम का भी यहाँ पे काम स्टार्ट कर ही लेता हूँ, तो ट्रेम के लिए पहले तो एक ट्रेम डिपो के लिए जगह चाहिए इतनी सारी, एक तो हर चीज का डिपो लगाना पड़ता है इसमें, तो डिपो ना सही में भाई बहुत ज्यादा जगह लेता है ये, ओ भाई डिपो के लिए तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, चलो डिपो से पहले एक काम करता हूँ ये बना लेता हूँ रोड, तो अब मुझे देखना है कि क्या ये इसमें बन सकता है भाई, मतलब ये ट्रेम राउंड अबाउट के ऊपर से भी जा सकती है, ये तो भाई क्रेजी हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, ये जो अपनी स्ट्रेट वाली रोड है ना पूरी, इस पे पूरी पे एक ट्रेम चलाता हूँ ऐसे सामने सामने में, और दूसरी अपनी ट्रेम चलेगी इधर, तो जैसा कि अब मैं ये नहीं चाहता कि लोग सबवे को यूज करना बंद कर दें, तो जैसे सबवे स्टेशन यहाँ पर है, अब कोई यहाँ पर आया उसके बाद उसको यहाँ पे कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, इनमें जाना है, तो वो लोग ट्रेम यूज कर मतलब उनको ट्रेम यूज करनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो एक ट्रेम लाइन अपनी बन सकती है भाई, ये तो काफी मुश्किल है ट्रेम लाइन बनाना, तो अरे मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे पास 4 लेन वाला ही ब्रिज है, ये तो मैंने अभी देखा
फोर लेन वाला ब्रिज है मेरे पास। लो यार फोर लेन वाला भी लग गया, लग तो वही वाला अच्छा रहा था पर ये भी ठीक है। पर एक तो इस वाली पूरी रोड को मैं ट्रेम की लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेम लाइन लग गई और इस पे भी लगाई देता हूँ और ऐसे ही अपनी ये वाली फोर लेन रोड पे भी हो जाएगा। या मुझे ये लग रहा है कि अगर मैंने ज्यादा ट्रेम को चला दिया ना यहाँ पे मतलब, तो ये लोग सबवे को बिल्कुल ही बंद कर देंगे क्योंकि ट्रेम ज्यादा सस्ती पड़ेगी ना इन लोगों को, और वो मैं चाहता नहीं भाई कि सबवे एकदम बंद हो। यहाँ पर जगह तो बहुत कम है। मैं सोच रहा हूँ ये जो ये वाला लूप है ना इसमें चलाता हूँ ट्रेम को, तो इस वाली सिटी में बनाता हूँ यार ट्रेम के स्टॉप ना। मैं एक काम करता हूँ, अच्छा पहले स्टॉप बनाने पड़ेंगे, तो एक तो अपना यार इधर सबवे के पास में ही सही रहेगा स्टॉप, पर यहाँ पे ना भीड़ भी हो रही है। तो एक काम करता हूँ फोर लेन रोड बनाऊँ, कहाँ पे बनाऊँ, चलो यहाँ पे बन जाएगा ठीक है। दो स्टॉप इधर हो गए आने और जाने के, उसके बाद ये ट्रेम आएगी अपनी। इधर ऑफिस एरिया है ना मेरे पास, इधर स्कूल है ना, तो एक यहाँ पे सिमेट्री के सामने हो जाएगा स्टॉप। एक मिनट, ठीक है सिमेट्री के सामने हो गया स्टॉप, और इस वाले सबवे को मैं मतलब सोच रहा हूँ यहाँ से हटा दूँ और एक स्टॉप अपना हो जाएगा यहाँ पे स्कूल के एकदम सामने, ठीक है। वैसे ज्यादा पास पास हो गए ना दोनों। एक काम करता हूँ इसको ना यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है अब सही है। और एक इधर पार्किंग है तो इधर पार्किंग के पास भी एक स्टॉप हो जाएगा। एक इधर भी काफी डेंसिटी वाला एरिया है, इधर भी हो जाएगा एक स्टॉप। के बाद एक स्टॉप अपना इधर, वैसे टू लेन रोड है इसको अभी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद अब अगला आएगा यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है और पार्किंग भी है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे स्टॉप और इसको यहाँ से हटाओ, इसकी जगह हो जाएगा एकदम इसके हाई स्कूल के सामने स्टॉप, ठीक है बढ़िया। तो ये एक ट्रेम की लाइन बनेगी यहाँ पे पहली, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ से। लेफ्ट हैंड साइड है ना अपना ट्रैफिक, ठीक है। ऐसे मैंने दो दो स्टॉप क्यों बनाया अगर मुझे एक ही सिंगल लाइन चलाने दी तो, ठीक है। ट्रैक तो अपना कंप्लीट हुआ। ओ भाई यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है यार, मैं जब तो जल्दी से जल्दी बनाना चाह रहा हूँ इसको। तो मुझे एक डिपो लगाना है भाई जल्दी से, कहाँ लग सकता है डिपो, जगह है क्या इधर। तो ये क्या है क्रिमेटोरिया, मैंने तो यहाँ से हटाओ और यहाँ लगाओ। ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, रोड मेंटेनेंस। भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो रोड मेंटेनेंस वाले, इसको कहीं दूर लगाता हूँ मैं। इधर मेरे पास है वैसे एक रोड मेंटेनेंस शायद, हाँ एक है, ठीक है ये हुआ कंप्लीट। अब डिपो लगा के भाई इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से। डिपो अपना आ जाएगा इधर, अब इसको ही मुझे ट्रैक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया ना, ट्रैम गई क्या निकल के। ओ भाई आ गई अपनी ट्रैम, और एक मिनट इसका कलर चेंज हो सकता है। तो कितनी ट्रैम है, एक मिनट, ट्रैम लाइन वन है ना। एक तो टिकट प्राइस मैं थोड़ा सा करता हूँ, 10-12 सही रहेगा। और चार व्हीकल सही है, बहुत है। कलर मैं चेंज कर सकता हूँ पर और कुछ मैं शायद यहाँ पे नहीं कर सकता। भाई एक बार देखना पड़ेगा कि ट्रैम कैसे जा रही है, एक बार मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ ट्रैम को। तो टू लेन वाली रोड पे भी यार, लेकिन मुझे लग रहा है कि फोर लेन वाली रोड ज्यादा सही है इसके लिए। तो अब ये यहाँ से निकल रही है तो डिपो था ना इधर, तो एक बार ये डिपो से थोड़ा आगे चली जाए। तो मतलब ये बस की तरह ही है पर बस से ज्यादा सही है क्योंकि एक बार में बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं इसमें, और बस को भी रेड लाइट पे रुकना ही पड़ता है, इसको भी रुकना ही पड़ेगा, तो वो तो दोनों में सेम ही है। और यहाँ से इसकी लाइन स्टार्ट होती है और ये जो भी गाड़ियां है ना थोड़ी कम हो जाएंगी एक बार ये चलनी स्टार्ट हो जाए बस। भाई ये तो काफी टाइम लगा रही है, आगे वाली ट्रेन देखता हूँ मैं इसमें कितने लोग हैं। जीरो भाई लोग। ओ भाई ये आ गई भीड़, भीड़ आ गई भाई, पूरे 150 लोग बैठे हैं एक बार में, वो नहीं 192 लोग एक बार में बैठे हैं। तो मतलब भाई ये यहाँ पे काम कर जाएगी, ऐसे एरिया में काम करती है ट्रेन जहाँ पे ज्यादा हो। अरे भाई अब कहाँ बैठेंगे ये लोग इतने सारे, ये तो फुल हो गई। पीछे आ रही है ना वैसे एक और ट्रेन, चलो उसमें बैठ जाएंगे। तो भाई फुल हो चुकी है ट्रेन यहाँ पे, बल्कि 5 ऊपर ही बिठाए इसने एक्स्ट्रा। और मुझे देखना है कि अगर ट्रेन फुल हो जाती है उसके बाद भी हर स्टॉप पर रुकती है, क्योंकि रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में ऐसा होता है कि अगर कहीं पर बिल्कुल भी लोग नहीं खड़े ज्यादा है तो उस स्टॉप को स्किप कर देते हैं ना जैसे बस वगैरह। तो भाई ये अगर इन्होंने रियलिज्म इसमें डाला होगा तो और भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। स्पीड तो इसकी कम ही है, मतलब वही बस जितनी स्पीड है। अब जैसे ये वाला स्टॉप आया, अब इसके अंदर जगह तो है नहीं, नहीं रुक रही है, हाँ मतलब कि कुछ को उतरना भी तो होगा। तो भाई ट्रेन अपनी चल चुकी है, एकदम मस्त काम भी कर रही है। बस मुझे एक चीज देखनी है कि ये इधर वाली रोड पे इसको क्या दिक्कत आती है क्या। तो ये यहाँ पर आ चुकी है, तो फॉलो करते हैं भाई। तो जैसा कि यहाँ पे टू लेन रोड है, इसको मैं चाहूँ तो फोर लेन में कर सकता हूँ, पर फिर ना इस वाले राउंड अबाउट पे भाई भसड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि इधर बाहर से ट्रैफिक आ रहा है ना। सही है यार, काम चल रहा है। साइड में थोड़ी बहुत पार्किंग कर रखी है लोगों ने, वो तो हट जाएगी। और देखो भाई भीड़ देखो, तो जितना भी हाई डेंसिटी एरिया है ना यहाँ पे, तो मतलब ट्रेन बढ़िया काम करती है एकदम। और मैं एक बार ये और देख लेता हूँ कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं टोटल। तो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट किधर गया, 9900 लोग। नहीं ये तो ट्रेन वाले हैं, तो ट्रेन में भी 512 दिखा रहा है, 565 लोग सीधे सीधे ट्रेन यूज कर रहे हैं। सबवे पे थोड़ा कम हो गया अब लोड, सबवे में 800 यूज कर रहे हैं। और सबवे मुझे एक दिक्कत ये लगी कि ये वाला जो स्टेशन है ना, मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई ज्यादा लोग वेट कर रहे होंगे। नहीं यार 70 लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ना बहुत पास है स्टेशन। तो जैसे कि अब ट्रेन चल चुकी है तो उसको मैं शायद हटा भी सकता हूँ। यहाँ पे देखो 100 पैसेंजर है, ये तो चाहिए स्टेशन, ये तो मेन है, ठीक है। जैसे एक ट्रेन लाइन अपनी बन गई, दूसरी ट्रेन लाइन अपनी बनेगी इधर, बल्कि ना इसको इधर तक ही ना बना दूं, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी एक नई रोड ट्रेम के लिए, ठीक है। तो पहली ट्रेम अपनी इधर चल रही है, दूसरी ट्रेम अपनी चलेगी इस तरफ, इसके लिए मैं स्टॉप बना देता हूँ। तो पहले तो स्टॉप यही होगा कि अगर कोई सबवे से आ रहा है तो वो इधर रेलवे स्टेशन के सामने एकदम आ सकता है, और रेलवे स्टेशन के बाद उसका जो अगला स्टॉप होगा
किधर हो सकता है यार ये? काफी दूर दूर है ना स्टॉप। एक और स्टॉप मैं इधर बना ही देता हूँ, ये फिर यहाँ पर बनाता हूँ ना, ठीक है। और एक स्टॉप अपना आएगा फिर इधर, ये है अपना हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है। और फिर इधर ये ऑफिस एरिया है, तो यहाँ पे भी एक स्टॉप बन सकता है बड़े प्यार से। तो इतने काफी है। और एक इधर इंटरचेंज के लिए स्टॉप होगा, ठीक है। ये होगी कम्प्लीट। अब यहाँ पे लाइन बनाते हैं भाई, सबसे पहले इधर से इधर तक, इधर। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो इंटरसिटी ट्रैम चलाते हैं, जबकि ट्रैम ना इंटरसिटी के लिए बनी नहीं है, ट्रैम है अपना एक छोटे एरिया के लिए। मतलब अगर मैं इस ट्रैम को यहाँ तक बना दूंगा तो भाई वो बिल्कुल भी फायदे की चीज नहीं है, क्योंकि वो बस की तरह जाएगी भाई यहाँ तक, मतलब ऐसे पूरा रोड पे चलते हुए। तो दूर जाने के लिए भाई अपना सबवे ज्यादा बढ़िया है, और उससे भी दूर जाना तो अपना ट्रेन है ही हमारे पास। इतने लोग आ रहे हैं भाई बाहर से। और जो नई ट्रेम की लाइन बनी है, इसमें एक चीज और चेक करनी थी मुझे, तो ट्रेम लाइन 2 जो बनी है उसका मैं कलर पहले तो रेड कर देता हूँ, ताकि मुझे दिखे भाई ये कहाँ पर है। ये रही, इसमें 3 व्हीकल है। हाँ 3 बहुत है इसमें तो। और $15 कर देता हूँ, 15 जो भी है। ये देखो भाई यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है इसका रेड। अबे एक डिब्बा रेड बाकी अलग, ये क्या है? अबे डिब्बा आगे वाला रेड, हाँ पूरी हो गई रेड। तो यहाँ पर कोई भी इतनी दिक्कत नहीं है, ज्यादा वेट नहीं करती ट्रेन रेड लाइट पे भी। मतलब देखो एक स्टॉप यहाँ पर है एलिमेंट्री स्कूल के पास, और ऑफिस भी है इधर। उसके बाद ये अपना राइट हो जाएगी, और इधर आएगा अपना हॉस्पिटल वाला स्टॉप, जिसको भी हॉस्पिटल जाना है वो यहाँ पर आएगा। और भाई लोग बैठ रहे हैं इसमें भी काफी, तो मतलब ये वाली ट्रेन भी अपनी बढ़िया चल रही है। और इसके बाद मैंने इधर ऑफिस वाले एरिया बनाया था, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है ना लाइन से, तो यहाँ पे भी भाई यहाँ पे भी बहुत लोग खड़े हैं। ये रहे ट्रेन, तो अपने यार मस्त चल रही है एकदम। ये इतने सारे लोग बैठ गए इसमें, और देखने में कितनी मस्त लगती है भाई ट्रेन। मुझे ट्रेन सबसे बेस्ट लगती है इसमें, ट्रेन और सबवे, क्योंकि सबवे ना बिल्कुल क्लीन होता है, जमीन के अंदर अंदर काम करता है। और रोड कितनी खाली हो गई भाई एकदम से, इधर की तो रोड खाली कर दी इसने ट्रेन ने। अब बस ये थोड़ा वो ट्रैफिक टैक्सी वगैरह का है, या टैक्सी कम कर दो क्या थोड़ी? टैक्सी किधर है अपना? टैक्सी डिपो होगा ना एक, किधर बनाया था ये रहा टैक्सी डिपो। टैक्सी यार मैं सोच रहा हूँ साइना ग्रीन टैक्सी कर देता हूँ, इससे क्या होगा अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ चलेंगी अब सारी। और ये क्या है, गैरेज एक्सटेंशन नहीं चाहिए। नहीं इतनी टैक्सी काम कर रही है, 25। वैसे टैक्सी ऑन कॉल आती है तो टैक्सी तो रहनी चाहिए, इसलिए मैं हटा नहीं रहा। पर रोड्स खाली हो गई, ट्रैफिक अपना बढ़िया हो गया, 60% से ऊपर है पूरे दिन। तो देखो ट्रैफिक फ्लो पूरी सिटी में बढ़िया है, बस यहाँ पे हाईवे पे थोड़ा सा कम है, ठीक है। और ट्रैफिक डेंसिटी वॉल्यूम बताता है ये, इसका मतलब है कि इस जगह पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पर मैंने वैसे ट्रेन के स्टॉप और इसके स्टॉप बनाए हैं इसलिए, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है। और इन लोगों के तो मजे आ गए। और एक चीज और है जो मैंने लास्ट एपिसोड में अजीब सा बना दिया था ना, मैंने ठीक कर दिया है। मुझे एक नई चीज पता चली कि मैं इसके ऊपर भी बना सकता हूँ, मतलब कि मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। ये देखो, अरे यार गलती से एक बिल्डिंग हट गई, पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जो अपनी रोड है ना उसके ऊपर मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ यार। ये अगर मैं यूज करूँ तो और भी कम जगह में मैं यहाँ पे राउंड अबाउट वगैरह, मतलब ये बना सकता हूँ जो मैंने बना रखा है। तो एक बार ट्राई करता हूँ कहीं पे अगर मेरे पास जगह है तो। यहाँ पर जैसे है, जैसे मुझे इस राउंड अबाउट पे बनाना है, तो पेडेस्ट्रियन पाथ बनाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। यार यहाँ पे क्यों नहीं बन रहे? हाँ बन रहा है यार, ये जो बना है इसमें क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? अच्छा राउंड अबाउट के ऊपर नहीं हो सकता ना ये काम, समझ गया। तो इसके लिए मुझे नॉर्मल रोड चाहिए पहले तो। अब जैसे मैं इधर बनाता हूँ ये, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बना, ऐसे ही बन सकता है। इसको अगर मैं सर्कल यहाँ से बनाना चाहूँ, मतलब ये देखना पड़ेगा एक बार ऑनलाइन की। अब यार ये तो बीच में आ रहा है एकदम। तो वो जो बना है वही ठीक है अभी तो, ये अलग लगता नहीं मुझे इस काम करेगा। भाई ये ट्रेन का स्टॉप है क्या? ट्रेन का है, किस चीज का स्टॉप है भाई? यार ट्रेन भी बनाया था मैंने यहाँ पे स्टॉप। हाँ भाई कितने लोग खड़े हैं, पीपल वेटिंग 177। फिर अब सबवे यूज नहीं कर रहे क्या? सबवे भी यूज कर रहे हैं यार ये। सबवे में कितने 500 लोग जा रहे हैं भाई। हाई डेंसिटी ना, सही में हाई डेंसिटी है इसमें। एक बिल्डिंग में 250 लोग रह रहे हैं, 300 रह रहे हैं इसमें, 350 इसमें, 450। मतलब ये इतना सा एरिया है ना, इसमें बड़े प्यार से 3-4 हजार लोग तो इसी एरिया में रह रहे हैं। हाई डेंसिटी डिमांड इतनी ज्यादा भी नहीं आती, क्योंकि एक बिल्डिंग में ही 300 लोग आ जाते हैं डायरेक्ट। भाई ये लड़की चला रही थी जब, इतने खतरनाक ड्राइविंग इसने करी है भाई, ट्रक के अंदर ही घुसा दिया सीधे। अब इसका एम्बुलेंस चाहिए, अब यहाँ पे एम्बुलेंस आएगी तो आधा जाम तो यार ऐसे लग जाता है। ये लोग एक्सीडेंट करके यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और जाम लग जाता है सारे में। यहाँ पे मैं एक लाइट रेड मतलब स्टॉप साइन लगाता हूँ यहाँ पे ना, नहीं तो यही होता रहेगा। ठीक है लग गया ना स्टॉप साइन, सेम ऐसे इधर भी स्टॉप साइन। ठीक है अब डिमांड आ रही है, तो जैसा कि इधर हाई डेंसिटी है सेम ऐसे इधर हाई डेंसिटी में बनाने वाला हूँ, क्योंकि इधर मेरे पास साथ में ऑफिस भी है ना, तो इधर बहुत सारा एरिया हो गया। इसको मैं पूरे को ना हाई डेंसिटी कर देता हूँ, हाई डेंसिटी एकदम, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई हाई डेंसिटी करना, सेम ऐसे ये भी हाई डेंसिटी और ये भी अपना हाई डेंसिटी ही होगा। और ये जो इधर कॉर्नर है ना, यहाँ पे एक पार्क बन सकता है, मतलब कस्टम पार्क। इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ
पेडेस्ट्रियन पाथ लेना है। तो एक तो पहले मैं यहाँ पे पार्क वैसे नॉर्मल वाला लगा देता हूँ, उसके बाद इसको ना कस्टम बनाऊंगा। तो मेरे पास लार्ज पार्क भी खुल चुके थे, ये है अपने लार्ज पार्क और ये क्या है लार्ज स्पोर्ट पार्क। सॉकर फील्ड तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये क्या है कम्युनिटी पूल, कम्युनिटी पूल आ सकता है यहाँ पर। तो ये आ गया अपना कम्युनिटी पूल, साथ में आउटडोर जिम, जिम भी आ जाएगा, जिम को भी जाया जाएगा, नहीं चाहिए। और ये क्या है टेनिस कोर्ट नहीं, स्केट पार्क। स्केट पार्क से पहले यहाँ पे मुझे ये लगाना है लार्ज प्लाजा नहीं, सिटी पार्क। ठीक है, ये आ गया अपना सिटी पार्क। अगर यहाँ पे इतने सारे पार्क इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा जो हाई डेंसिटी एरिया है ना उन सबके लिए यही जगह होगी चिल करने के लिए, इसलिए मैंने एक ही जगह पर ज्यादा चीजें लगा दी, पर मुझे लग रहा है ज्यादा होगी थोड़ी। वैसे ठीक है, फिर मैं यहाँ पर ना एक स्टॉप बना दूंगा, अगर ट्रेन वगैरह यहाँ पे चलेगी तो एक स्टॉप हो जाएगा जिसपे लोग सीधे एक ही जगह पर आ सकते हैं, और बाकी का जो एरिया है उसमें अपना ये पाथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा सा पार्क लग चुका है और यहाँ पे पेड़ भी लगा दिया, अब ये बड़े होने में इनको टाइम लगेगा थोड़ा सा। और भाई बिल्डिंग्स भी बननी शुरू हो गई है और पॉपुलेशन अपनी यार 44,000 होने वाली है। भाई 50,000 पॉपुलेशन पता भी नहीं चल रहा है, इतनी छोटी जगह पे 50,000 पॉपुलेशन हो चुकी है। यहाँ पर क्या हुआ, अब क्यों ट्रैफिक लग रहा है भाई, अब तो लोग भी ऊपर से चल रहे हैं भाई, लोगों को देखना कितने हैं। भाई मेरा पीसी यहाँ पे आने के बाद खत्म होने को जाता है बिल्कुल, क्योंकि 15-10 FPS आ रहे होंगे मुझे यहाँ पे, क्योंकि भाई इतने सारे लोग है ना, ये सिमुलेशन है तो इनको सिमुलेट करने में भाई बहुत ज्यादा यूज होता है पीसी, इसलिए यहाँ पे आके लैग करता है इतना। भाई हर ये जा कहाँ रहे हैं सब, ऐसा लग रहा है पूरे शहर मेरा यहीं पे रह रहा है। स्कूल के पास भी काफी लोग हैं, मतलब मुझे ट्रेन वहीं पे रखनी है यहाँ पे, स्कूल वगैरह हो फुल चल रही है तो बिल्कुल। और हाँ इधर भी तो पार्किंग चाहिए, तो ये तो पार्किंग फुल चल रही होगी, मुझे पता ही था पहले ही, मुझे एक नई पार्किंग की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और मेरे पास यार पॉइंट्स है तो मैं कुछ चीजें खोल सकता हूँ अभी। ये क्या है, अरे हाँ मेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खुल चुकी है, तो यही मुझे बनानी है। और ये क्या है शेल्टर, शेल्टर वगैरह तो अभी डिजास्टर मैंने ऑन नहीं कर रखे। प्रिजन, सेंट्रल बैंक, CIA एजेंसी बन सकती है इसमें, स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो अभी जगह है नहीं। टूरिस्ट अट्रैक्शन में खोल लेता हूँ, ये काफी काम आएगा। सर्वर फार्म, टेलीकॉम टावर, एक ही टेलीकॉम टावर खोल दिया मैंने। तो पहले तो मुझे यार पार्किंग, अरे टूरिस्ट में देखता हूँ क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन टावर, और भाई ये है ऑब्जर्वेशन टावर, ऐसा सिटी स्काइलाइन 1 में भी था पर यहाँ अच्छा ही लग रहा है इसको, तो बिल्कुल बढ़िया से टूरिस्ट जगह देख के लगाना पड़ेगा। और क्या क्या था टूरिस्ट में, और हाँ टेलीकॉम टावर खुला था ना, अभी पूरी सिटी में कहीं भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ इसको और फिर इसको भी दीजिए, तो अगर यहाँ पे भी लगाता हूँ तो पूरी सिटी का काम हो रहा है इससे, उसके अंदर कोई अपग्रेड वगैरह भी नहीं है। ठीक है, अब इधर की बारी थी अपनी, तो एक इधर आ जाएगी पार्किंग 35। ठीक है, एफिशिएंसी भी अच्छी खासी है इसकी, पार्किंग आ गई। और यहाँ पे दुकानें नहीं बनाई मैंने बिल्कुल भी, हाई डेंसिटी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा हाई डेंसिटी, ये भी यहाँ पे दुकानें हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, इसी रोड में थोड़ी बहुत दुकानें बना दी इन लोगों के लिए मैंने, और बाकी इधर भी रोड है मेरे पास। इसको कहाँ पर कनेक्ट करा जाए रोड को, वैसे मैंने 4 लेन रोड में यहाँ पे घर बना दिए भाई, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी ऑफिस की डिमांड आ जा रही है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा पूरा ऑफिस के लिए। और यहाँ पर ना एकदम से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए कि भाई मेरी रोड अभी तैयार नहीं है मुझे लगता है। तो 13,000 टन यहाँ पर स्टोर कर लिया इसने, और बढ़िया शिप्स आ रहे हैं और जा रहे हैं इसमें से। तो यार इस वीडियो में इतने रखते हैं, आज मैंने अपना कार्गो हार्बर बना तो दिया है, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे डेकोरेट करना पड़ेगा, अभी ये ऐसे खाली खाली लग रहा है ना। जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बनेंगे अपने आप सही हो जाएगा। साथ में अपना ये वाला एरिया भी अब स्टार्ट हो गया यहाँ पे, अभी यार डिमांड नहीं आ रही तो मैं कुछ बना नहीं सकता इधर। उसके अलावा मैंने ट्रेन अपनी पूरी सिटी में बना दी है इधर वाली में, तो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और रोड जो भाई बिल्कुल खाली कर दिया मैंने वाली, क्योंकि ज्यादातर लोग अब ट्रेन ही यूज कर रहे हैं। अब ये गाड़ियां वो वाली है जो कि अपनी पब्लिक सर्विसेज वाली है सारी, डिलीवरी वैन वगैरह ये सब, टैक्सी वगैरह। और अपनी देखो ट्रेन एकदम फुल होकर चल रही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।